पहले तो हर साल हमारी नायरा की सजावट करवा चौथ पे देखने वाली होती थी, है ना? इस साल क्या होने वाला है करवा चौथ पे, गॉड नोस। कोर्ट में रिश्तों की लड़ाई, कायरव की कस्टडी के लिए झगड़ा, कार्तिक नायरा की तकरार। फाइनली वो दिन आ ही गया जब कार्तिक और नायरा अपने बच्चे कायरव को पाने के लिए आमने सामने हैं। दोनों ने कोशिश तो बहुत की कायरव को इस बात का पता ना लगने देने की, लेकिन जब दोनों कोर्ट की दहलीज पर आए तो वहाँ अचानक कायरव को देख कर हैरान रह गए। नायरा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है कि कहीं यू नो हमारे बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, अगर कायरव को इनके बारे में पता चलेगा तो वो बेचारा बच्चा टूट जाएगा। भाई ये तो दोनों का ख्वाब है, असली जंग तो कोर्ट में शुरू हुई। कायरव की कस्टडी पाने का ये आखिरी ऑप्शन है हमारे पास। जब कार्तिक के लॉयर दामिनी ने नायरा के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और नायरा का ऐसा सच सबके सामने लाया जिसे सुनकर न सिर्फ घर वाले हैरान हुए बल्कि कार्तिक को भी नायरा पर ताबड़तोड़ गुस्सा आया। मेरी नायरा के बारे में कुछ कहने की। कायदे के दहलीज पर रुके इस रिश्ते का क्या होगा अंजाम? कोर्ट में नायरा का कुछ पास्ट में भी कुछ हुआ होता है जो सामने आता है और इन सब चीजों के बाद कार्तिक एक डिसीजन लेते हैं कायरव की कस्टडी नायरा को देने के लिए, और मतलब वो केस से विड्रॉ करना चाहते। लास्ट हियरिंग के टाइम पे वो अपना मन बना के आई थी कि उसे कायरव की कस्टडी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कुछ जो भी हो रहा है, जो भी अगर ये बात कायरव जितना झगड़ा होगा, जितना ये चीज़ स्ट्रेच होगी तो कायरव तक ये बातें जाएंगी ही जाएंगी और वो बहुत अपसेट हो जाएगा और वो ये नहीं। अब नायरा कार्तिक के बच्चे को क्यों अबॉर्ट करवाना चाहती थी इस राज से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन नायरा ने फैसला कर लिया है कि वो कायरव की कस्टडी कार्तिक को दे देगी। आज तक ब्यूरो।